हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? तो गाइस, आज है भाई बप्पा विसर्जन, मतलब गणेश विसर्जन। तो भाई हर बार मंडी में होता है, मतलब हमारी मंडी में। तो यहाँ से जाते हैं जोली, करीबन यहाँ से पारप से 14 किलोमीटर के आसपास। तो यहाँ से मंडी से जाते हैं नाश्ते गाते, धूमधाम से ले गए बप्पा को सब्जी मंडी तक पैदल, मतलब। और फिर वहाँ से जाते हैं ट्रैफिक्स में, फिर वहाँ पर होता है बप्पा का विसर्जन। तो भाई चलते हैं मंदिर में और बने रहिएगा व्लॉग में। बड़ी धूमधाम से लेके जाते हैं भाई, जगह जगह भंडारे होते हैं, ढोल वाले, डीजे, मतलब मज़ा आता है भाई खूब। और मायूसी तो है, लेकिन कोई नहीं, एक जयकारा के साथ करते हैं व्लॉग को स्टार्ट और करते हैं गणपति बप्पा मोरिया, अगले वर्ष तू जल्दिया। चलो मिलते हैं सीता मंदिर। गणेश विसर्जन की तैयारी करते हुए पंडित जी, क्योंकि फिर इसके बाद ही हम यहाँ से चलेंगे विसर्जन के लिए। I'm not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes. Just don't know if I've been faking or pretending, but I know I never felt so damn alive. I don't know if I believe the information given. Gorave! विसर्जन को लेके सब बहुत उत्साहित हैं, लेकिन मायूस भी हैं, क्योंकि गणेश बप्पा अगले साल ही आएंगे अब। तो भाई बहुत खुश हैं लोग, देख लो आप, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बहुत भीड़ हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है भीड़। ये है भगवान श्री परशुराम चौक, जो कि गोहाना की स्टार्टिंग में, और अभी बनाया नया बिल्कुल। हम भाई फिलहाल न्यू सब्जी मंडी के सामने हैं गोहाना में, और मंदिर से लगभग यहाँ का रास्ता है 3 किलोमीटर के आसपास। हम नाश्ते गाते आए हैं और अब सब बैठ रहे हैं ट्रैफिकों में, जो बाइक लाया है उस पर, और चलते हैं जहाँ विसर्जन होना है बप्पा का। What you like, what you don't, you should never be flying solo. ये है वो लोकेशन जहाँ गणेश बप्पा का विसर्जन होना है, और बहुत भीड़ बढ़ रही है, और धीरे धीरे बहुत गाड़ियाँ आ रखी हैं पहले ही यहाँ पे, और भी आ रही हैं। यहाँ पे भीड़ देखो आप कितनी, मतलब बहुत सारे भगत जन आ रखे हैं, और पहले ये पुल सारा भर जाता था, लेकिन अब की बार बंदे कम हैं। और ये गणेश जी का गुलाल से, होली के रंगों से आगमन हो रहा है, खुशी खुशी सभी भगत जन अब करते हैं एक डांस, फिर करते हैं आगे की तैयारी। पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी हैं लगभग, और अब कराते हैं दूध घी शहद से स्नान, और फिर करते हैं बप्पा की आरती और पूजा। Oh yeah! 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 Oh yeah!
अगले वर्ष आना है, आना ही होगा। मौर्या, मौर्या, मौर्या। पंडित जी ने लिया काम करे, आपको काम दे। अरे मुझसे कान में कहो, अरे मुझसे कान में कहना, मुझसे कान बोलो जो बोलना हो। हाँ छोड़ू, अगला वर्ष तू, अगला वर्ष तू, अगला वर्ष तू, गणपति बाबा, गणपति बाबा, गणपति बाबा, मोरिया, जल्दी आ, मोरिया, 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 जल्दी आ, मोरिया, मोरिया, मोरिया। बाबा तेरी जय जयकार। Everybody!
आए हैं भाई विसर्जन करके गणेश बप्पा का। मन्नत पेटी थी वहाँ एक गणपति बप्पा के सामने, तो मैं मन्नत पेटी में अपनी कोई मन्नत नहीं ढाल पाया, लेकिन कहते हैं कि मतलब बप्पा सुनता है तो ऐसे ही सुन लेता है और मन्नत पेटी में जरूरत नहीं होती, तो इसलिए भाई अब चलते हैं फिर घर और फिर मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, अगले एक और मज़ेदार वीडियो में। तो तब तक बने रहिए चैनल पे और प्यार देते रहिए गणपति बप्पा मौर्या, अगले वर्ष तू जल्दी आ। तो भाई नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, और मिलते हैं अगले व्लॉग में। जय शंकर भगवान, जय गणेश भगवान।